मक्का के खुश्क पहाड़ और अरब के रेगिस्तान इस वक्त सरसब्ज हो चुके हैं। दुनिया भर के साइंसदान इस बात से हैरान हैं कि कैसे खुश्क पहाड़ और रेगिस्तान इतनी तेजी से सरसब्ज हो रहे हैं। हमारे प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क्यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की जमीन सरसब्ज यानी बागात और फसलों वाली ना हो जाए और पहले की तरह नहरें ना चल पड़े। सुभान अल्लाह, यानी ये जमीन वापस पहले की तरह ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अरब की सरजमीन पहले भी फसलों, बागात और नहरों, दरियाओं वाली जमीन थी, क्यामत के करीब फिर दोबारा वैसी ही हो जाएगी। अभी ये खुश्क पहाड़ और रेगिस्तान एक दरमियानी और आरजी वक्त के लिए थे। हमारे हजूर की यह हदीस आज के दौर में इस तरह सच साबित हुई कि आने वाली यानी क्यामत करीब आ पहुंची, उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा। क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं? और तुम गफलत में पड़े हो तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो। मैं रोजे क्यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लवामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता दिखाए, पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह। कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी न होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है।